आज इस वीडियो में आरबी एसोसिएटेड की तरफ से जो जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके पहले यहाँ पे जो काम होता है इन लोगों का जो सेक्टर है जो काम होता है जैसा तुम्हारा हाईवे ब्रिजेस देन रेलवे मेट्रो देन तुम्हारा वाटर रिसोर्स एंड इरीग्रेशन देन तुम्हारा एनवायरमेंट वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन आर्किटेक्चरल एंड बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग अर्बन डिज़ाइन ये सब काम होता है यहाँ पे देख लेना। एयरपोर्ट पावर पोर्ट्स तो यहाँ पे जो जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे ठीक है। उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ एक चीज यहाँ पे देखना सब्सक्राइब करके दिखाई देगा ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्सक्राइब करके दिखाई देगा। तो पहला बात है जब रेड कलर का दिखाई देगा इसका मतलब है तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। तुमको क्या करना है पहला बात है यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर देना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा मतलब सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बेल आइकॉन है वहाँ पे जाके क्लिक करके ऑल जो है यहाँ पे क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा तुमको सारे नोटिफिकेशन जितने सारे मैं जॉब का रिक्वायरमेंट मतलब लेके आती हूँ सारे नोटिफिकेशंस तुमको अपडेटेड मिलेगा। कोई भी वीडियो मैं अपलोडेड करेंगे तो तुमको तुरंत नोटिफिकेशंस मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ तो जाके अपने हिसाब से चेक कर लेना ठीक है ओके। तो अभी ये वाला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हायरिंग कर रहा है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए मतलब तुम्हारा जॉब रोल जो होगा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ठीक है। तो अहमदाबाद में तुम्हारा जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है तुम्हारा लोकेशंस जो होगा अहमदाबाद ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जहाँ पे तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस मांगा है 5 to 6 years वर्क एक्सपीरियंस ओके। और तुम्हारा क्वालिफिकेशंस मांगा है जैसा बीई और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग ओके बीई और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। देन यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा ये सारे चीज़ इन लोग यहाँ पे मेंशन किए जैसा यहाँ पे देख सकते हो जैसा तुम्हारा प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस टू अपडेट सीनियर मैनेजमेंट ऑन द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस देन तुम्हारा ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल लेटर देन तुम्हारा स्प्रेडशीट देन तुम्हारा कोऑर्डिनेट विद इंजीनियर एंड डिजाइन स्टाफ टू स्ट्रीमलाइन एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी ओके। स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट डिलीवरी ओके। देन तुम्हारा यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से ओके। तो प्रोजेक्ट बेसिकली तुम्हारा जो जॉब रोल है यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का जो फंक्शन होता है बेसिकली तुम्हारा जो सीनियर मैनेजमेंट को तुमको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कैसा तुम्हारा प्रोजेक्ट हुआ है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कैसा हुआ है सारे डिटेल्स तुमको देखना पड़ेगा। एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का रोल ऐसा ही होता है ओके। उसके लिए कहाँ अप्लाई करना है इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये मेल आईडी है दिस इज़ मेल आईडी। दिस मेल आईडी में तुमको सब्जेक्ट लाइन भी मेंशन करना पड़ेगा जैसे अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। और यहाँ पे जो है दिस मेल में तुमको सीवी भेजना पड़ेगा ओके। चीज़ यहाँ पे ओनली फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होगा ओनली शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होगा उसको ही मतलब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ओनली फॉर बुलाएगा इंटरव्यू देने के लिए ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ओके। ये तुम्हारा ऐसा ही है तो आई होप समझ में आ चुके जिन लोग अप्लाई करना चाहते हो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। ओनली फॉर सिविल इंजीनियर ठीक है यहाँ पे बाकी ट्रेड इज़ नॉट एलिजिबल ओके। ये ओनली फॉर सिविल इंजीनियर। So thank you so much for watch my video. Bye, take care, all the best.